डेड बॉडी अभी यहाँ पर जली थी, उसके राख को मामा ने अपने माथे पे लगा लिया है, आप देख सकते हैं। भाई सर, भाई सर, भाई सर, भाई सर, भाई सर, नीलू, ये नीलू, नीलू, नीलू। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग्स ऑफ नील। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जिस जगह पे मैं पहले कभी नहीं आया था। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड को देख सकते हो, कहाँ हूँ मैं आज? आज मैं आया हूँ शमशान घाट में। तो बात कुछ ऐसी है कि आज हम इस शमशान घाट में एक्सप्लोर करके देखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि शमशान घाट में क्या होता है, जब लोगों की मृत्यु होती है तो शमशान घाट में उनको जलाया जाता है, दफनाया जाता है। तो आज मेरे साथ है वीडियो पे स्वैगर, जो कि अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरा भाई है, और साथ में है मामा जी। तो मामा जी पेशे से एक वैद है, जिनको भूत प्रेत के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ एक आदमी की डेथ हुई थी, हाल ही में डेथ हुई है, और उनका जो शव है यहीं जलाया गया है। तो आज हम कम्युनिकेट करके देखेंगे, यानी कि उनसे बात करके देखेंगे उसकी आत्मा से, कि वो हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मामा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वैद हैं, इनको इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। हाय बोलिए। हाय। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं करीबन रात के 12, और हम लोग खाना वाना खा के मैं आया था स्वैगर भाई के घर के पास, मतलब स्वैगर भाई से मिलने के लिए आया था। तो स्वैगर भाई के मिलने के बाद हम दोनों ने प्लान किया कि आज क्यों ना शमशान घाट का वीडियो बना लें। तो स्वैगर भाई साथ में आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आज यहाँ एक्सप्लोर करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ एक्टिविटी होती है, क्या सच में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मटकी भी रखा हुआ है, ये देखिए, और ये तो जला हुआ है। करीबन रात के 12 बज रहे हैं, अभी रात के करीबन बज रहे हैं 12, और जैसा कि आप देख सकते हो कितना अंधेरा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, और जस्ट हम लोग तीन ही लोग हैं, खाली तीन ही लोग। तो इससे पहले आप अगर वीडियो में न्यू हो गए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग्स ऑफ नील को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ऐसी ही हॉन्टेड लोकेशन के बारे में पता होगा तो आप जैसे ही आप हमें कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मामा जी, मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग आज, अभी मतलब इस टाइम? अभी रुकेंगे, हाँ, एक आध दो घंटा, हाँ, उसके बाद पता चलेगा कि आत्मा, हाँ, किसी के वश में नहीं हुआ होगा, हाँ, तो आएगा। अच्छा, तो जैसा कि दोस्तों मामा ने बताया कि अगर आत्मा किसी के वश में नहीं होगा, यानी कि किसी की मृत्यु जब होती है शमशान घाट में, किसी के शव को जला जाता है, तो मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाती है, क्या उसको वश में किया जा सकता है कि नहीं? तो मामा जी हमको बताएंगे, कुछ करके दिखाएंगे यहाँ बस, तो उसी को आपको देखना है और हम भी यहीं देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बना हुआ है जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है, जैसे देख सकते हैं आप, ये क्या है? लकड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी है। हमारे हिंदू धर्म में या तो बॉडी को दफनाया जाता है या तो जलाया जाता है, आपने सुना ही होगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल हमें शमशान घाट में होने के बावजूद भी
ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है जैसे कि और दूसरे लोकेशन में मैं जाता हूँ तो होता है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है कि आप किसी भी जगह में जा रहे हो तो शुरू में ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता, पर आप समझ सकते हो कि जिस स्थान पे लोगों की लाशों को जलाया या दफनाया जाता है वो जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। तो मरने के बाद जहाँ पर उनको जलाया दफनाया जाता है वहाँ पर कुछ समय के लिए उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो आज हम कम्युनिकेट करके देखेंगे मामा के थ्रू। मामा साथ में है, मामा अपने साथ में है। मामा जो है, हम इन्हीं की बदौलत आए हैं यहाँ पर और इन्हीं के भरोसे में आए हैं। जो भी है, हमें हिम्मत देने वाले भी मामा है हमारे, मामा है। क्योंकि हम इन्हीं के हिम्मत लेके आए हैं और इन्हीं के भरोसे में आए हैं। हम सिर्फ वीडियो क्रिएटर हैं और बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कभी डर नहीं लगा किसी भी चीज़ में, और मामा हमारे साथ में है तो हमें और भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा फील हम लोग को होता है। क्या हुआ, इस साइड से आवाज आ जैसे लग रहा है। चला जा। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, ऐसा लगा जैसे कि यहाँ से कुछ आवाज़ें आई। आपको मैं बता दूँ कि जस्ट इसके पीछे में ही है नहर और पानी यहाँ बह रहा है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना बीच में, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है, काफ़ी सारे लोगों को दफनाया गया है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन लाइट हमारे पास थोड़ा सा लो कंडीशन में है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, उसके लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ हैं जो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए हैं शमशान घाट दिखाएंगे, जहाँ जलता है उसी को दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग आज यहाँ प्रॉपर कुछ भी होगा वो हर चीज़ आज आपको दिखाएंगे हम लोग। तो हमको अभी करीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मामा, आप क्या करने वाले हैं? तो डेड बॉडी अभी यहाँ पर जली थी, उसके राख को मामा ने अपने माथे पे लगा लिया है, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो और क्या कहने वाले हैं मामा? हम लोग कुछ करेंगे, बैठेंगे और क्या देखेंगे। अच्छा, आज मतलब पूरा बताएं। तो जैसे कि मामा बता रहे हैं कि ये हमको कुछ था यार, यहाँ बस ऐसी लगा मेरे को, कसम से भाई, कसम से रे, कुछ लगा ना, कुछ यहाँ बस खड़ा था जैसे लगा। मामा मंत्र मार चुके हैं यार। तो जैसा कि दोस्तों मामा कुछ बता ही रहे थे और ऐसा लगा कि यहाँ पास कोई खड़ा हुआ है, कसम से यार, लिटरली यहाँ पास ऐसा लगा जैसे कि राख के पास जहाँ पास डेड बॉडी जली हुई है वहाँ पास ऐसा लगा कि कोई ब्लैक फिगर खड़ा हुआ है। तो मामा अभी हमको शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी मामा बुलाने वाले हैं जिस व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हुई थी। बुला। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की मौत हुई थी अगर वो हमारे सामने आ सकते हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए। क्या यहाँ पर कोई लगा थे ना, कोई ग्रह मामा? हम लोग भरे शमशान में खड़े हैं, मेरी बात सुनो, हम लोग शमशान में। अच्छा, चल रूम खड़ा कर कम से कम। तो दोस्तों अभी मामा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जिस व्यक्ति की अभी डेथ हुई थी हाल ही में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, मामा उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर हो अभी
इस जगह में तो सामने आए। और हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी को कुछ नुकसान हो। हाँ, हम लोग बिल्कुल भी किसी ऐसे इरादे से नहीं नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ के बारे में जानने के लिए आए हैं। अगर आप कुछ नहीं, हाँ बस, अगर आप जो भी प्रेत महात्मा हो, जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है, हम आप लोगों को नहीं पहचान परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा कोई भी इरादा नहीं है ऐसा आपके साथ गलत करने का। हम लोग बस जानने आए हैं। अरे यार, पेड़ के पत्ते हिलने लगे यार। अरे कसम से भाई, अबे उधर से आवाज आया यार, कुछ आवाज आया यार। कुछ आवाज आया ना, लेकिन कुछ आया ना, आए तो है मामा, उधर कुछ आया यार। कसम से यार, हम लोग बस लाइट नहीं है गाइस, हम लोग कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी हुई वहाँ से, कुछ तो हुआ वहाँ से, कुछ हुआ है मामा, आपको लगा ना मामा कुछ हुआ है ना? ना भी आओ भी, शांत रहा। हाँ ठीक है माँ, हम चुप रहे, कुछ नहीं बोलेंगे। चल चल आ जल्दी। मामा चुप है, महसूस हो थे तुम्हारे के शरीर में कुछ हो थे? अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं ना अभी महसूस किया हूँ जस्ट अभी कुछ देर पहले, लेकिन अभी साइलेंट हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग अभी कुछ हुआ है सामने, अभी कुछ हुआ है। कसम से भाई, लिटरली कुछ हुआ भाई, उदय भाई, मामा कुछ हो रहा है यार। कसम से यार, सही में वाकई में सच सच में हो रहा है यार। मामा कुछ हुआ ना, डरने वाली बात नहीं है, जो हो रहा है वो फील कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं मामा, आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हुआ हूँ चबूतरे के पास, और जस्ट पीछे में ही है कब्र बना हुआ है, देख ये है पहला और वो दूसरा। आगे चल तो नीलू, इस आगे वाले में भी ले चलते हैं। भाई, ए भाई आ जाए ना वहां से, भाई इधर आ, इधर आगे चल, आगे चल, चल आ जाए यहां से भाई, आगे आगे दिखा, आगे दिखा, लाइट दिखा, आगे दिखा, आगे कुछ है मार्ट वगैरह कुछ है? कुछ है यार, तो जैसा कि दोस्तों, तो अभी आपने देखना आपके आंखों के सामने में ही ऐसा लगे कि कुछ आवाज आई यहाँ से। काफी डर गए थे यार, लिटरली काफी डर चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों, रात भी काफी हो चुके हैं, लगभग 1:30 बजने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया, हमको तो कुछ ऐसा कैमरे में दिखा, भाई हम लोग पास टॉर्च नहीं है यार, हम लोग पास लाइट का बिल्कुल सुविधा नहीं है भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये काफी एक्टिविटीज हुई यहाँ पास, भले ही हमको कुछ कैप्चर नहीं हुआ हमारे कैमरे पे, भले ही हमारे कैमरे कुछ कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन एक्टिविटीज भाई 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 सुस, भाई चल, अरे मेरे बॉडी को कैसे हो रहा है यार? नीलू, नीलू
नीलू नीलू, अरे मामा देखो, मामा देखो, मामा इसको देखो, मामा प्लीज।